नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना कोविड 19 की लड़ाई में सारे लोग अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। भारत में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह में पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने स्वयं कमान अपने हाथ में संभाली। वह लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जो कर्तव्य पर अपने समर्पण किए हुए हैं ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो लापरवाहों को कर्तव्य का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। वह स्वयं जाकर तिराहे पे, चौराहे पर, मोहल्लों में, गलियों में जाकर उन्होंने कमान संभालते हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाया कि जो लॉकडाउन का उस समय उल्लंघन कर रहे थे। बता दें आपको, धारा 144 लगी हुई है, निषेधाज्ञा लागू है और ऐसे समय इसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। लगभग 700 लोगों से अधिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, 650 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, लगभग 200 से अधिक वाहनों के पंजीयन के निरस्त की कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में लगातार पकड़ा धकड़ी चल रही है। पुलिस अपने कर्तव्य पर लगी हुई है और हौसला अफजाई कर रहे हैं इस समय दमोह के पुलिस कप्तान हेमंत चौहान। आइए हम आपको फिर दिखलाते हैं यह रिपोर्ट कि किस प्रकार ऊर्जा का संचार कर रहे हैं वह अधिकारी और कर्मचारियों में। वह एक दहशत पैदा कर रहे हैं ऐसे लोगों के बीच में जो इससे निषेधाज्ञा तथा धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। वह लापरवाही लोगों के लिए कहर बनकर टूट रहे हैं पुलिस के लोग, और यह होना भी चाहिए, आवश्यक है अति, क्योंकि एक ही लक्ष्य है। अगर कोरोना कोविड को हराना है तो अपने आप को घर में बंद कर रखना पड़ेगा, और यही कर रही है पुलिस, अति आवश्यक है। आइए हम आपको फिर दिखलाते हैं दमोह की यह विशेष खबर, जब उतरे पुलिस कप्तान सड़कों पर। कोरोना कोविड 19 पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है। भारत में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। कई दिनों के लॉकडाउन में लोगों को किसी भी प्रकार से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का दमोह जिला मुख्यालय है। यहाँ पर लगातार निगरानी चल रही है, पुलिस प्रशासन लगातार सजग और सख्त दिखलाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान लगातार पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले का जिला मुख्यालय नगर है, जहां पर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार पुलिस अपने एक्शन में दिखलाई दे रही है। बेवजह सड़क पर घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है लगभग 700 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में 650 से अधिक मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है जो निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 144 पूरे जिले में लागू है और लॉकडाउन चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का दमोह है। दमोह में पुलिस अपने एक्शन में दिखलाई दे रही है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले, धारा 144 का उल्लंघन करने वाले तथा लॉकडाउन के समय बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान स्वयं सड़कों पर हैं और
आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दमोह है। दमोह में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों के विरुद्ध जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, 21 दिन का जो लॉकडाउन है वह पूरे देश भर में चल रहा है। दमोह में अब पूर्णतः 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान, आप देख सकते हैं स्वयं कि लोगों से चर्चा कर रहे हैं, समझाइश भी और कार्रवाई भी दोनों चल रही है। ये पुलिस गलियों में, कूचों में, सड़कों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले, बेवजह गलियों में घूमने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। गलियों कूचों में सब्जी और फल दुकान लगाकर बेचने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। आपको बतलाते हैं कि इस अवसर पर जब लॉकडाउन चल रहा है तो फेरी लगाकर सब्जी, फल, दूध, किराना बेचने की ही अनुमति दी गई है। भीड़ लगाकर, दुकान लगाकर किसी प्रकार का क्रय विक्रय का कार्य नहीं किया जा सकता है और पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की है। पुलिस लगातार दमोह में एक्शन में नजर आ रही है। ये घंटाघर है, दमोह का हृदय स्थल घंटाघर, लगातार कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान स्वयं उपस्थित हैं और सारी कार्रवाई को अंजाम दे रही है यहाँ पर पुलिस। प्रत्येक व्यक्ति से, महिला हो या पुरुष, पूछताछ, बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई आप स्वयं देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये एक्शन में दमोह पुलिस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हो रही है। लगभग 700 से अधिक गिरफ्तारियां, 650 से अधिक मामले पंजीबद्ध हुए, 200 से अधिक वाहनों के निरस्ती की कार्रवाई हुई है और यह लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने लोगों को संदेश दिया है कि किसी भी बिना आवश्यक कार्य के सड़कों पर ना आएं, कानून का पालन करें, अन्यथा कानून के तहत कार्रवाई होना सुनिश्चित समझें। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पुलिस करने को तैयार है। किसी भी प्रकार से पुलिस, ये हेमंत चौहान पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए। हमारे शहर का भ्रमण किया जा रहा है, जो लॉकडाउन का, पूर्ण लॉकडाउन का आदेश है, निषेधाज्ञा का आदेश है, उसका पालन करवाया जा रहा है। जहां कहीं भी थोड़ा सा भी उल्लंघन इसका दिख रहा है, तत्काल संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की प्रेजेंस आप देखेंगे हर जगह है, हमारे फिक्स पॉइंट्स लगे हुए हैं, मोबाइल्स हमारी लगातार घूम रही हैं, बहुत त्वरित कार्रवाई की जा रही है। लगातार हम अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं, लोगों का जनसहयोग भी मिल रहा है। लॉकडाउन जो है पूर्णतः सफल है और लगातार ये व्यवस्था आगे भी बनाकर रखी जाएगी।
दमोह पुलिस ने एक बेवजह घूमने वाले व्यक्ति को पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि वह बेवजह घूम रहा था, लेकिन उसका कहना था कि वह रिचार्ज कराने गया था। पुलिस से बहस हुई और फिर पुलिस अपने एक्शन में दिखलाई दी। ये दमोह नगर का गड़ी मोहल्ला क्षेत्र है और यहाँ पर जो भाव भंगिमाएं थीं उस युवक की, वह तेवर ढीले पड़ते दिखलाई दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहले अकड़ और ठसक दिखलाई दे रहा था वह युवक, और फिर जब पुलिस एक्शन में आई तो देखिए आप क्या हो रहा है, किस प्रकार अकड़ ढीली पड़ी और बेवजह घूमने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ की तो पुलिस से बहस और फिर पुलिस ने अपना एक्शन दिखाया और युवक को किया गिरफ्तार। आप स्वयं देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि ये मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय का गड़ी मोहल्ला क्षेत्र है जहां पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इस युवक को गिरफ्तार किया है। बेवजह सड़क पर घूम रहा था, कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था प्रश्नों के और ना कोई सबूत, तब पुलिस ने एक्शन लिया। आप स्वयं देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि पुलिस दमोह पुलिस पूरे अपने एक्शन में और कानून का उल्लंघन करने वालों को कानून का पाठ पढ़ाती, यह दमोह पुलिस, और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। 700 से अधिक गिरफ्तारियां, 650 से अधिक के मामले पंजीबद्ध, 200 से अधिक वाहनों के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने कर दी है। इतनी देर अड़ी कर रहा है जबरदस्ती पुलिस से, लगातार पुलिस का एक ही कहना कि बेवजह सड़क पर दिखी तो कार्रवाई सुनिश्चित समझें। समाचारों के लिए देखते रहिए LMB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।